तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं मेट्रॉइड ड्रेड, वो भी निंटेंडो स्विच लाइट के ऊपर। इस गेम का मैं गेम प्ले निंटेंडो स्विच ओलेड पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो ये मेट्रॉइड ड्रेड है, पहली गेम थी जो मैंने निंटेंडो ओलेड पर ट्राई करी थी, क्योंकि ये इन अ वे उसके साथ ही लॉन्च हुई थी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि इसी को पहली गेम बनाऊंगा जो ओलेड पे खेलूंगा। तो फिर ओलेड पे खेलने के बाद, ऑल दो मेरा सेव डेटा इसमें था, मैंने सोचा कि ट्राई करके देखता हूँ कि स्विच लाइट पे कितना डिफरेंट है, और क्या वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है क्या ओलेड खेलने के बाद। तो मैंने स्विच लाइट पे खेलना स्टार्ट किया इसको, एंड सरप्राइजिंगली यार कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। मतलब कलर्स थोड़े डिम लगते हैं ओलेड के मुकाबले, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, बट टू बी ऑनेस्ट जो स्विच लाइट है उसका फॉर्म फैक्टर इतना कॉम्पैक्ट है ना कि अगर आपको जैसे कहीं बाहर जाके खेलनी है, मतलब आप अपने रूम में बैठ के नहीं खेल रहे हो और आप किसी बाहर जैसे ट्रैवल कर रहे हो या फिर मेट्रो में हो या कहीं ऐसी जगह पे हो, तो ज़्यादा कन्वीनियंट स्विच लाइट ही रहेगा। पर ऑफ कोर्स ओलेड को डेफिनेटली एज मिलता है उसके कलर्स की वजह से, एंड ऑल्सो कि ओलेड की स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है। बट स्विच लाइट पे भी ये गेम वैसी एग्जैक्टली चलती है, मतलब परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं था ओलेड और स्विच लाइट में, तो उस वे में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था गेम प्ले के साथ। तो नॉर्मली खेला ऐसे और काफ़ी मज़ा आया मुझे ये गेम खेल के इस पे। तो यार ये जो फुटेज है वो है मेट्रोइड ड्रेड की स्विच लाइट के ऊपर, तो आई होप आपको ये फुटेज पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। अगर आप एक नए व्यूअर हैं इस चैनल के, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करिए। मैंने काफ़ी सारी गेम प्ले वीडियोज़ एंड बाकी भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बना रखी है निंटेंडो स्विच इंडिया के बारे में, तो आई होप ये फुटेज आप इन्जॉय करेंगे गाइज़। प्लीज़ एंड तक देखना है इसको। Uploading data. Thank you.
तो यार गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये फुटेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।